जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं मैटरनिटी शूट कराने के लिए प्रिया का, मेरा ही होगा ऑब्वियसली। हाँ, और अब दिन रह गए हैं कम, तो अब शूट हम सोच रहे हैं कि अब फटाफट करा के करवा लेते हैं, वरना तो मैंने ये मुझे डर था कि पता चले डिलीवरी के बाद मुझे तकिया लगा के मैटरनिटी और बेबी शूट दोनों साथ में करवाना पड़ रहा है। हम जा रहे हैं फटाफट और हम जाके करवाते हैं मैटरनिटी शूट। लेट काफी हो गया, भाई साहब ने बुलाया था कुछ और टाइम था पर टाइम लेट हो गया, तो हम रास्ते में ऑन द वे तो बस पहुंचते हैं। अब आपको दिखाते हैं क्या चल क्या रहा। अगर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा उनके साथ तो हम श्योर उनको टैग करेंगे, और आप लोग भी कभी आगे जाके करवाना चाहे तो करवा सके। सो स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड्स, हम स्टूडियो पहुंच गए हैं और प्रिया का मेकअप हो रहा है, तो भैया मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिया का। तो प्रिया कैसा लग रहा है आपको? खड़े के दिखाएगी, चलो खड़े के दिखा ले। और मुझे सही लग रहा है, मैटरनिटी सूट है। हाँ, मैम की हाइट बहुत अच्छी है, तो मैंने ये वाला सी ग्रीन गाउन मैम को सजेस्ट करा है, बिल्कुल इसमें मॉडर्न लुक आएगी। वाओ, और गाउन्स तो अच्छे नहीं लगती, गाउन्स तो बहुत सारे थे लेकिन मैम को मैंने ये वाला सी ग्रीन सजेस्ट किया है मैंने, जिससे अभी थोड़ा सा ये थोड़ी देर। हाँ, बिफोर देख लो। मेकअप के बाद इसकी लुक कुछ इस तरीके से है, मैं अपनी बीवी पहचान नहीं पा रहा हूँ, इतनी गोरी कैसे हो गई। बॉय। तो ये है इसका मेकअप के बाद आफ्टर लुक। हाँ हाँ, ये वो मेकअप आर्टिस्ट है, इन्हें जरूर सपोर्ट करें भाई। ये भाई फोटोग्राफर है, इनका भी वीडियोग्राफर है, फोटो दोनों है, मिक्स है। तो शहनशाह जा रहे हैं, उनकी धोती मैंने उठा रखी है, ये तो गाना लग गया अजीम मोशन शहनशाह। घाघरा चोली मैंने उठा रखी है, बाहुबली बन चुके हैं। चलिए चला चला चला, लोग देख रहे हैं इनके तमाशा क्या चल रहा है, लोग हम लोग को ऐसे देख रहे हैं ऐसे कौन आ गए हैं इस टाइम पे पारक घेरने के लिए। हैप्पी हूँ, लोग हंस भी रहे देख के, ये कार्टून कौन आ गए हैं, पीछे धोती उठा रखी है इसकी मैंने, और हमें लास्ट वाले में जाने को कह दिया भाई ने, तो जाते हैं लास्ट वाले में, देखते हैं अब क्या होगा आगे। कैसा लग रहा है तुम्हें, नर्वस लग रहा है? नहीं बस मतलब कार्टून तो नहीं लग रहे, तो इस कैमरे में देख तो कैसे लग रही है, बहुत ज़्यादा गोरी लग रही है। तो कोई बात नहीं, अब प्रिया गोरी हो गई है, तो उसको ले जा रहे हैं आखिरी वाले में। सांस चढ़ गई, सांस चढ़ गई, सर शुक्र है सांस ही चढ़ी है, सर नहीं चढ़ा। आप देख सकते हो शूट की तैयारी हो रही है, प्रिया का गाउन सेट किया जा रहा है, मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ, लोग बहुत देख रहे हैं, मुझे भी थोड़ी शर्म आ रही है। तो ये रेडी हो गए हैं भैया, तो थोड़ा सा प्रिया को ब्रेक मिला है, कॉन्शियस भी करती कॉन्शियस हो गई लड़की थोड़ी सी, और थोड़ा सा रूठ गई है, कहीं मुझे मनाओ पर मैं मनाऊंगा नहीं, खुद ही मान जाएगी, लड़की स्मार्ट हमारी, देखो इसकी शक्ल देखो कितनी क्यूट लग रही है, देखना भी कैसे हंसेगी, देखना भी अभी इसको हंसी आएगी। तो कैसा लग रहा है मैटरनिटी शूट करवा के आपको अपना? अच्छा लग रहा है, पर मैं थोड़ा मोटा भी फील कर रही हूं। मोटा तो देखो भैया इस टाइम आदमी मोटा नहीं होगा तो पतला थोड़ी होगा, कुछ भी सोचने वाली बात है क्यों जी, और इस टाइम आदमी मोटा नहीं लगेगा तो कब मोटा लगेगा। तो अभी देखते हैं आगे और क्या होता है, लेट्स सी। अभी तो दो तीन प्रॉप्स के साथ होगा हमारा, तो लेट्स दिखाते हैं जिसमें ये भी होंगे। मैं इसमें ही हूँ बस, मैं पर एक ही कपड़े का जोड़ा।
तो अभी देखते आगे क्या करना है। प्रिया कंसंट्रेट कर रही है पूरा अपने फोटो शूट के ऊपर। ये भाई ने लाइट पकड़ रखी है, वो भाई पीछे हमारी रील एडिट कर रहा है। तो आप देख सकते हो रानी साहिबा को अंगूर जा रही है, बिठा दिया गया है। तो मोटू कैसा महसूस हो रहा है आपको? आपको सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही है? आउटडोर शूट हो चुका है, मतलब अच्छा हुआ है। तो शेयर करेंगे फोटो इंस्टा पे कुछ दिनों बाद। हमारा हाफ शूट डन हो चुका है, अब हम दूसरी ड्रेस चेंज करने जा रहे हैं, उसमें देखना क्या कमाल करेंगे। कमाल तो कमाल देखते हैं, हल्का मचा देंगे तो तहलका देखते हैं अब आगे क्या होगा। अब ये कॉस्ट्यूम चेंज करना पड़ेगा। चलो, ड्रेस काफी भारी है। भारी है, मेरे लगा चुन्नी पहना दी तेरे को। तो बस अब स्टूडियो जा रहे हैं। स्टूडियो पहुंचते हैं और फिर नेक्स्ट राउंड की तैयारी करते हैं ना। सो हियर वी स्टार्ट सेकंड शूट। मॉडल का ये मॉडल बैठे हुए हैं यहाँ पे, पीछे का सेट बदल दिया है भैया। फोटो बहुत अच्छे खींच रहे हैं। एक बार फिर से करके बता क्या कर रहे थे। एक बार यार भैया ने एक स्टेप आगे आने को बोला और ऐसे थी इसका पैर ऊपर की तरफ। फिर से बताओ एक बार ऐसे थी भैया, बोले एक स्टेप आगे हो, कैसे चल के आई थी तो आगे। इस लड़की को शादी से पहले देखते हैं और शादी के बाद देखो, हाथों की नसें दिखती है सूखी सूखी। मैं थोड़ा टोपे ले और प्रॉपर यस अभी इससे पता लगता है हमारे घर में खूब खाया पिया इसमें। ये लड़की अब घोड़ा चलाएगी। सर वीडियो बना रहे प्रॉपर। एक घोड़ा चलाएगी अभी। आज प्रिया अपनी सारी मॉडलिंग के इतिहास रच देगी यहाँ पे। मैम बन रही है काउ बॉय, काउ गर्ल। काउ गर्ल काउ गर्ल है तो काउ बॉय तो सुना था, काउ गर्ल नहीं आई है अभी मार्केट में। भैया ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे करने का मूड है। इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे।
बेटा स्टूल नहीं तोड़ना, थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे एडिटिंग भी चालू हो चुकी है हमारी। तो हमारा शूट हो चुका है कंप्लीट, मेकअप मैंने उतारा नहीं, अब घर जाके उतारूंगी क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं मेकअप उतारने के लिए, तो अब घर जाके हम मेकअप उतारेंगे। शूट हो चुका है बढ़िया वाला, बहुत मजे आए शूट करने में। यो यो ये तो ऐसा स्टैंड बाय लेके गई थी नहीं शूट बढ़िया किया यार, बंदे बढ़िया थे और हाँ। मतलब ठीक था, मतलब ये नहीं कह सकते कि मतलब फैमिली वाली फीलिंग थी, कोई ऐसा हमें ऑकवर्ड फील नहीं हुआ कि मतलब। तो बेसिकली जो स्टूडियो था वो था द स्टूडियो क्लिक्स नोएडा में आई, पैसे भी जायज दे रहे हैं भाई। सेक्टर 51 रेट वाज, मतलब हमें लगा कि सबसे बेस्ट सही था, पैसों में बेस्ट प्राइस था, मतलब हेयर मेकअप सब इंक्लूड था, ड्रेस इंक्लूड थी, सब कुछ, मतलब इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस। किसी को करवाना हो तो वी रियली रिकमेंड दिस स्टूडियो। एंड बस अब हम घर के लिए निकल चुके हैं, थक बहुत चुके हैं और भूख लग रही है भाई, भूख। तो आज का व्लॉग हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और आप भी एंजॉय करो, हम भी अब एंजॉय करते हैं, घर जाते हैं, कुछ खाते हैं, रेस्ट करते हैं और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, एंजॉय योर लाइफ और हमारे व्लॉग्स देखते रहो। सो बाय बाय।